हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो कमेंट किए हैं मुझे, मेरा जो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट किए हैं, इस कमेंट का मैं 15 कमेंट चूज किया हूँ कि इसी 15 कमेंट को मैं आपको रिप्लाई देना चाहूँगा। क्यों रिप्लाई देना चाहूँगा? क्योंकि आप सब ये जो कमेंट किए हैं, इसका जो दूसरे जो होते हैं, इसका जो आंसर है जानना बहुत ज़रूरी है। जितना मुझे आइडिया है, मैं आपको सही तरीका से आपका जो रिप्लाई मैं दे दूंगा। अगला कमेंट अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं दूसरा वीडियो में आपका कमेंट भी मैं पढ़ लूँ और एक के बाद एक इसका आंसर देता रहूँगा। क्योंकि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, आपका ये कमेंट का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो कमेंट है, ये एडमिशन रिलेटेड कमेंट है और आपका जानने का बहुत ज़रूरी है। आप खुद प्रिपेयर हो पाएंगे कि आपका बच्चा का एडमिशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका मन में कुछ कमेंट है तो मुझे कमेंट करिएगा। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, मेरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि मैं जब केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो वीडियो मैं बनाता हूँ, उसी में मैं भी पोस्ट कर देता हूँ। और आपका अगर कुछ भी कमेंट होगा, कुछ भी सवाल होगा, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल जो होता है, बॉबीदास जी लिखते हैं, वो लिखते हैं कि लॉटरी कैसे लेते हैं। मैडम, मैं आपको बता दूं कि लॉटरी जो होता है, अगले साल जो लॉटरी हुआ था, ये ऑनलाइन होता है। पहले आपका जो कैटेगरी होता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। इसके बाद डिफेंस जो कैटेगरी होता है, ये सेकंड माने प्रायोरिटी दिया जाता है। और थर्ड आपका स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। और फोर्थ आपका जो सिंगल गर्ल चाइल्ड जो होते हैं, उनको दिया जाता है। और जो जितना बच्चा बच जाते हैं, जितना स्टूडेंट रह जाते हैं, उनको अगर मान लीजिए आपका 5 या 10 जो सीट जो बचा होगा, उनको जितना बच्चे रह जाते हैं, उनके लॉटरी किया जाएगा। और ये लॉटरी अगले साल जो हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। तो इस साल भी मैं जो सोचता हूँ ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि ऑफलाइन नहीं होगा। अगर आपका बच्चों का अगर एडमिशन ऐसे नहीं होता है कैटेगरी वाइज, तो आप लॉटरी में अगर आपका बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। इसके बाद रवि सिंह जी ने लिखे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के चाइल्ड के एडमिशन क्लास 1 के लिए क्या लॉटरी होगी, या कितना परसेंटेज चांस लिस्ट में नाम नहीं आने का होता है? देखिए रवि सिंह जी, मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, उनका जो प्रायोरिटी है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दिया जाता है। उनका जो बच्चे हैं, जितना भी फॉर्म आता है, उनको बच्चों के लिए आपका पूरा का पूरा सीट रिजर्व है। अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और आपका बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा सवाल हुआ, शाम समूह जी ने लिखे हैं कि सर, 5th स्टैंडर्ड के एडमिशन डेट क्या है? मैं आपको बता दूं शाम जी, और मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं, अभी क्लास 1 ऑनलाइन का जो एडमिशन प्रक्रिया है, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, एडमिशन शुरू नहीं किया गया है। और क्लास 2 से 12 तक का जो एडमिशन प्रक्रिया है, ये अप्रैल में होने को है, और नोटिफिकेशन भी इसका भी नहीं निकला है। लेकिन कुछ स्कूल ने जो वेबसाइट में डाले हैं कि अप्रैल में उनका एडमिशन हो सकता है। इसके बाद विश्वजीत दास जी ने लिखे हैं कि मेरा सिंगल गर्ल है और एसी सर्टिफिकेट है, उसे कुछ फैसिलिटी मिलेगा? देखिए ये 2 फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। एक है तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का, आपका क्लास 5 तक का कुछ पैसा जो ट्यूशन फी वगैरह देना पड़ता है, कंप्यूटर फी वगैरह देना पड़ता है, और 6 से 10 तक का पूरा एक पेमेंट कुछ देना नहीं पड़ता है, वो पढ़ते हैं फ्री में। और एसी में भी आपका एज रिलैक्सेशन कुछ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप एसी और सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो आपका एडमिशन मिल जाएगा। देन इसके बाद रितु यादव जी ने लिखे हैं कि कोई एग्जैक्ट डेट बताइए। मैडम जी, मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट डेट हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो डेट निकालना, एडमिशन प्रक्रिया शुरू करना, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का काम है। आप चाहें तो अगर आप स्कूल में भी अगर जाके आपको
पूछेंगे कि कब डेट निकलेगा, उन्होंने भी आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि अगले साल कोविड की वजह से आपका जुलाई में एडमिशन हुआ था, जुलाई अगस्त में एडमिशन हुआ था, लेकिन इस साल भी कई जगह पर कोविड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन जब नोटिफिकेशन निकलेगा इंडिया सारा एक साथ निकलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैबी संगठन में वेबसाइट में जाके या एडमिशन जो पोर्टल होता है उनका वेबसाइट अब जाके वहाँ पता कर सकते हैं, या अगर मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कब स्टार्ट होता है। बबीता देहराज ने लिखे हैं, सर लॉटरी के थ्रू कैसे होगा, इसके लिए क्या करना होगा, प्लीज़ रिप्लाई मी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका जितना बच्चा बच जाएंगे उनके साथ डिजिटली ये लॉटरी होगा, आपका अगर चांस आ जाएगा तो आप एडमिशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हर कोई एडमिशन कर सकता है, हर कोई एडमिशन ले सकता है, चाहे ये स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये जो कैटेगरी होते हैं, मान लीजिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, डिफेंस हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हुआ, सिग्रीकल्चर हुआ, उनका थोड़ा प्रायोरिटी दिया जाता है, इसके बाद जितना सीट बचता है, जितना बच्चे बच जाते हैं उनके साथ लॉटरी होगा। इसके बाद विजय कुमार जी ने लिखते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ ही ऑल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है या एडमिशन के टाइम? देखिए विजय जी, मैं आपको बता दूं, आप जब एडमिशन आपका क्लास वन का अगर आप एडमिशन करना चाहेंगे तो आपको एडमिशन टाइप आपको डॉक्यूमेंट एक बॉक्स रहेगा, वहाँ आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो भी होगा सर्टिफिकेट फोटो वगैरह वहाँ आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन ये जो रेंट एग्रीमेंट, सॉरी जो एग्रीमेंट होता है, मान लीजिए आपका स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, ये आपका एडमिशन टाइम में आपको देना पड़ेगा। ये इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये जो व्हीकल जाता है इसके लिए ये जरूरी नहीं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद एस अहमद जी ने लिखे हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर्म सबमिशन के टाइम अपलोड करना होता है या एडमिशन के टाइम, प्लीज़ रिप्लाई। अहमद जी, मैं आपको बता दूं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये आपका फॉर्म जब आप ऑनलाइन एडमिशन करेंगे क्लास वन का अगर एडमिशन आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपको देना पड़ेगा। और आपका मैं बता दूं, अगर आप क्लास टू से ट्वेल्थ तक एडमिशन करते हैं ये तो ऑफलाइन होगा, आप जब फॉर्म डिपॉजिट करेंगे उस वक्त आपको वहाँ डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके बाद एस अहमद जी ने फिर लिखे हैं कि सर रेसिडेंस प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर बिल हाँ ना हो तो? देखिए मैं आपको बता दूं, आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर बिल रेसिडेंस प्रूफ नहीं होता है, और आपका आधार कार्ड भी रेसिडेंस प्रूफ के लिए जाना नहीं जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लिए आधार कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं, आधार कार्ड का ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे का आधार कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है एडमिशन करवाने के लिए। अगर आपका पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा तो आप एडमिशन कर पाएंगे। इसके बाद अरुण ठाकुर जी ने लिखे हैं, सर मेरा बेटा का एज है 5-6 2016, क्या हो पाएगा उसका एडमिशन कभी में, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए ये जो एज है, ये जो एज गाइडलाइन रखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने, ये मार्च 31 तक का 5 साल हो जाना चाहिए। अगर आप आज का डेट के लिए आपका 5 साल नहीं हुआ है और आप जो 15 दिन बचा हुआ है, अगर 15 दिन कम हो रहा है, लेकिन आप कैलकुलेशन करिएगा आपका मार्च 31 तक का आपका कितना एज होता है। मैं आपको एक सही टेक्निक, इजी टेक्निक बता दे रहा हूँ यहाँ कि आप कैसे एज आपको कैलकुलेशन करेंगे। देखिए आप थोड़ा क्रोम में चले जाएंगे, क्रोम में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे एज 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 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। आपने क्या लिखे थे यहाँ डेट ऑफ बर्थ, मैं आपको दिखा दूं, 5 जून 2016 यहाँ आपका लिखना पड़ेगा, 5 जून 2016, और कुछ नहीं चाहिए इसका। अगर आप एंटर करेंगे यहाँ, देखिए यहाँ एज कितना आ रहा है, देखिए यहाँ एज आ गया है उन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाउ ओल्ड एम आई इफ आई वॉज बॉर्न ऑन जून 5, 2016, आपका एज होगा 4 ईयर्स 9 मंथ्स 1 वीक एंड 2 डेज ओल्ड, और आप ये जो 15 दिन बच्चा होगा आप 15 दिन जोड़ दीजिएगा,
ये आपका 9 month और आपका जो डेट बचा है 1 week एंड 2 days है। तो आपका जो अगर यहाँ जो यहाँ एज दिखा रहा है आप एडमिशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्च 31 तक का आपका 5 साल नहीं पूरा हो रहा है। और आपका एडमिशन करने के लिए 5 साल होना बहुत ज़रूरी है। आप एससी हो, एसटी हो या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, इसका कोई रेज रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन आप अगर स्पेशल कैटेगरी में होंगे तो आप कुछ भी रिलैक्स मिल सकता है। इसके बाद और एक देखिए, ये तो हो गया सर, मेरा बेटा का एज इतना है, क्या हम एडमिशन फर्स्ट क्लास में कर सकते हैं? इसे आप चेक कर लीजिएगा, मैं जो जानता हूँ ये एडमिशन नहीं हो पाएगा शायद, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो आप अगर चेक कर लेंगे, देखिए यहाँ मैं उनका रिप्लाई किया हूँ, नहीं हो पाएगा एडमिशन मैडम। बेटे का एज 4 साल 11 महीना 29 डेज हो रहा है, मिनिमम 5 साल होना चाहिए। तो इसके बाद श्यामल बेस्फोर्ड ने लिखे हैं, बच्ची का उम्र 6 साल कंप्लीट हो गया तो क्या क्लास 1 में ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद दोबारा से क्लास 2 के लिए फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल आप भर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एज जो होता है आपका क्लास 1 के लिए 5 से 7 ईयर तक होता है और क्लास 2 के लिए 6 साल से आप 8 साल तक का रहता है। अगर आप इसमें बीच में हैं तो आप भर सकते हैं, लेकिन आप जब एडमिशन होगा एक ही में एडमिशन आपका हो पाएगा। लेकिन आप तो क्लास 1 में ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और क्लास 2 में आपका ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। और किशोर दले जी ने लिखे हैं कि जय जगन्नाथ, थैंक यू फॉर वीडियो सर, कैन एज रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी स्टूडेंट फॉर क्लास 1 स्टूडेंट? मैं आपको बता दूं कि एससी एसटी स्टूडेंट के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। आप कौन सा कैटेगरी में हो जाइए, मान लीजिए आप जो भी है जो कैटेगरी में हो गए, आपका एज रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो और संध्या गोरंग जी ने लिखे हैं, मैडम लिखे हैं, सर सिंगल गर्ल चाइल्ड का एफिडेविट कहाँ से भरे बनेगा? आप कचहरी में चले जाएंगे, जो कचहरी में जो टाइपिस्ट रहते हैं जो एफिडेविट करते हैं वहाँ चले जाएगा, वहाँ आप बोल देने से वो फॉर्म आपको फिलअप करके एक क्लास क्लास 1 मजिस्ट्रेट से आपका एफिडेविट बना के आपको दे देंगे, 100-200 रुपया उनका लगेगा। तो ये था कुछ सवाल जो मैंने आपका आंसर दे दिया हूँ। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आपका मन में अगर कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो में करूँ आपका नंबर भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, जय जगन्नाथ, जय हिंद, गुड नाइट।